हमर झारखंड हमर गांव। झारखंड की जनजातियां अपनी पहचान और संस्कृति को बरकरार रखने में निरंतर प्रयासरत हैं। भौगोलिक परिस्थिति और मौसम के साथ समन्वय स्थापित करके ये अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें और भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही प्रमुख जनजातियों में से एक है आदिम जनजाति असुर। आइए हम देखते हैं झारखंड के गुमला जिले में स्थित पोलपोल पाट गांव के असुरों की जीवन की कहानी। इस गांव में कुल 135 घरों में 570 लोगों का वास है। ग्रामीण खुशहाल हैं, लेकिन अपने दम पर। यहां के असुर परिवारों की कई मूलभूत समस्याओं में पानी की समस्या आज भी जस की तस है। इस गांव में दो टोला हैं। दोनों टोला में एक एक झरना है, जहां से ग्रामीण खाने और पीने का पानी प्रतिदिन अपने घरों में लेकर आते हैं। गांव से झरने की दूरी 1.5 किलोमीटर है, वह भी जंगलों से होकर ऊंचे नीचे पथरीले रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। उतरने के समय पथरीले ढलान और लौटते समय चढ़ाई वाला रास्ता। झरने के पानी को ग्रामीणों के द्वारा एक पाइप लगाकर अपनी सुविधा के अनुकूल बनाया गया है। वर्षों से ग्रामीण यहाँ से पानी लाया करते हैं। आज जहां विकास घर घर पहुंच रहा है, वहीं इस गांव की महिलाओं को 1 से 2 घंटे लग जाते हैं पानी लेकर आने और जाने में। वर्ष 2017 में गांव में घरों तक नलों से पानी पहुंचाने का काम शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 2019 के मध्य से इसमें पानी आना बंद हो गया, जो आज तक बंद है। पानी का भी यहाँ पे डीएमपी फंड के तहत पर बना हुआ है, लेकिन कुछ मशीन के खराबी की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ा यहाँ पानी का सबसे बड़ा समस्या है। आज इस गांव के लोग कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन पीने के पानी के लिए वर्षों पुरानी व्यवस्था पर ही इनकी दिनचर्या चल रही है।